तो ये मैंने खोल लिया है आपके सामने कल वाला ही डेटाबेस, और अब मैं इसके अंदर यूजर के अलावा एक और टेबल बना रहा हूँ। क्रिएट पे जाके टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं लिख रहा हूँ GR रजिस्टर। ठीक है, ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया GR रजिस्टर के नाम से। अब इस टेबल के दो व्यू है, एक है इसका डिजाइन व्यू और दूसरा है इसका डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू खोलने के लिए मैं इस पर राइट बटन दबा रहा हूँ, और राइट बटन दबा के मैं जा रहा हूँ डिजाइन व्यू में। जैसे ही डिजाइन व्यू में गया तो इस टेबल का मुझे डिजाइन व्यू नजर आ रहा है, जहां से मैं इसकी फील्ड्स को सेटअप कर सकता हूँ। सेटअप करने के लिए मैं कल आपको बताना चाह रहा था, आज फिर से उसको थोड़ा बताता हूँ कि जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते थे तो आपने सी और सी प्लस प्लस में ये पढ़ा कि डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। वेरिएबल्स डेटा टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक लेस प्रोग्रामिंग वाला सॉफ्टवेयर है जिसमें पहले से काफी कोड कर दिया गया है और आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया गया है। तो इसमें आपको वेरिएबल तो नहीं डिक्लेयर करने पड़ते, बल्कि ऑटोमेटिकली वेरिएबल की डेटा टाइप यहाँ बताई गई है, जिसमें आपको जब भी कोई फील्ड को सेटअप करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा डेटा टाइप आपको चाहिए। अब इसको समझ ले, अगर आपको स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना है, स्ट्रिंग मतलब ए टू जेड कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 0 to 9 नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, सिंगल लाइन में स्टोर करना है तो शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप ऑलवेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको एक से ज्यादा लाइन का डेटा स्ट्रिंग्स में स्टोर करना है, 2, 3, 4, 5, 10, तो लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप को यूज करेंगे। अगर आपको नंबर्स में डेटा इनपुट करना है तो नंबर, और अगर आपको लार्जर नंबर स्टोर करने हैं, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस की वैल्यूज को, तो यहाँ पे लार्ज नंबर की डेटा टाइप को स्टोर करेंगे। अगर आपको सिंपल डेट स्टोर करनी है तो ये, और एक्सटेंडेड डेट यूज करना है, मतलब उसको डेट के साथ टाइम भी और या फिर लॉन्ग डेट्स को यूज करना है तो ये यूज करेंगे। करेंसी अगर कोई वैल्यूज यूज करनी है, मतलब कोई अमाउंट है, कोई वैल्यू है, कोई प्राइस है जिसके साथ सिंबल भी आना चाहिए। वैसे हम नंबर स्टोर करेंगे तो उसमें सिंबल नहीं आएगा, लेकिन इसमें सिंबल भी आएगा तो सिंबल भी साथ चाहिए, तो करेंसी की डेटा टाइप को यूज करेंगे। ऑटो नंबर किसी भी फील्ड टेबल के अंदर, ऑटो नंबर किसी भी टेबल के अंदर या तो एक फील्ड होगी, एक ही होगी, या फिर नहीं होगी, बस ये रूल याद रखें। ऑटो नंबर की फील्ड हम हर रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला रिकॉर्ड डाला तो उसका नंबर 1, दूसरा रिकॉर्ड डाला तो उसका नंबर 2, और वो ये टेबल उसको ऑटो असाइन करता रहता है ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। और ये हमें इंडेक्स का फीचर भी देता है, जिस वजह से हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पाते। जैसे कि एक रिकॉर्ड जो चौथी दफा में एंटर हो रहा है उसका रिकॉर्ड नंबर 4 होगा, अगर हम दोबारा से रिकॉर्ड नंबर 4 नंबर डाल के स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टोर नहीं कर देगा, क्योंकि ये ऑटो नंबर जनरेट करेगा। तो ये एक टेबल में एक ही फील्ड होगी या तो नहीं होगी, या तो रख सकते हैं तो एक ही रखेंगे, दो नहीं रख सकते। हाँ, बाकी इन फील्ड्स को आप कई बार डिफाइन कर सकते हैं। यस नो, ऐसा कोई डेटा है जिसको यस नो के तौर पर आपने आंसर देना है। OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक्स, कोई लिंक्स क्रिएट करने हैं, अटैचमेंट कोई फाइल के साथ अटैच करानी है, कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं कोई, या कोई दूसरे टेबल से डेटा यहाँ पर फेच करना है कनेक्ट करके, तो इस फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक GR रजिस्टर में क्या क्या फील्ड हो सकती है, तो हम पहली फील्ड का नाम रखते हैं रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फील्ड का नाम रोल नंबर, उसको ऑटो नंबर पे सेट रख रहा हूँ, और फिर यहाँ पे हम स्टूडेंट का लिख रहे हैं फुल डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिन मैंने लिख दिया, और इसके लिए डेट टाइम की डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब GR रजिस्टर का नंबर जो है वो हम खुद से अलॉट करेंगे, GR नंबर। तो यहाँ पे हमने इसकी GR नंबर लिखा और टाइप को नंबर करके आगे कर दिया। फर्स्ट नेम, सॉरी फुल नेम, अब यहाँ पे हमें लिखना है फुल नेम, यहाँ मैंने लिख दिया, और शॉर्ट टेक्स्ट सिंगल लाइन का है। फादर्स नेम, तो फादर्स नेम को भी मैंने यहाँ पे ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट पे ले लिया। सरनेम, इसको भी सरनेम पे ले लिया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पर, क्योंकि डेट स्टोर होनी है तो डेट टाइम पर सेट कर दिया। उसके बाद आती है एक फील्ड जिसका नाम है जेंडर, तो यहाँ पे हमने जेंडर ले लिया और शॉर्ट टेक्स्ट पे रख दिया। उसके बाद आता है इन विच क्लास एडमिटेड, तो इस फील्ड का नाम लिख दिया कि किस क्लास में उसको एडमिशन दिया गया है, उसको भी शॉर्ट टेक्स्ट बना ले लिया। और यहाँ पर हमने लिखा लास्ट इस क्लास पास,
कौन सी क्लास से पास हुआ है, लास्ट क्लास पास्ट कौन सी क्लास से पास होके आया है, उसको भी इसमें रख लिया। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ले लिया लास्ट स्कूल अटेंडेड, तो कौन से स्कूल से आया है ये, उसको भी यहाँ पे हमने लिख दिया। और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया मदर टंग, कि ये कौन सी लैंग्वेज घर पर बोलता है, इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं भूल गया एक फील्ड, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक कॉलम बीच में ऐड करा लूंगा, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स। तो इसको मैं इन वर्ड्स लिखने के बजाय इन वर्ड्स लिख देता हूँ, आई एन आई कैपिटल इन वर्ड्स, ठीक है। और टेक्स्ट इसको हाँ शॉर्ट टेक्स्ट पे हमने रख दिया, ओके। उसके बाद हमने इसमें ऐड करानी है, मिसाल के तौर पे ये सारी चीजें तो हो गई, उसके बाद इसका सिटी कौन सा है, ठीक है। तो पहले स्ट्रीट नंबर से शुरू करते हैं, स्ट्रीट नंबर में मिलेंगे एड्रेस, एड्रेस में दो लाइन का हो सकता है तो लॉन्ग टेक्स्ट पर रख लेते हैं। फिर स्ट्रीट नंबर, अगर कोई इसका गली का पता है, स्ट्रीट हैश, तो उसको शॉर्ट टेक्स्ट पे लिख दिया। और उसके बाद सिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद प्रोविंस, ये सारी चीजें हमने इसमें डिफाइन कर दी। किसमें दे सकते हैं, लेकिन बाद में हमें प्रॉब्लम होगी प्रोग्राम वगैरह करने में, इसलिए मैं इसको विदाउट स्पेस ही लिख रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कैमल केस में, ठीक है। और इस तरह से प्रोविंस को भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो ये सारी फील्ड हमने इसके अंदर डिफाइन कर दी है। फाइनली अब इसके अंदर हमने एक और फील्ड एड करनी है, जिसका नाम होगा मिसाल के तौर पे एसटीडी इमेज, यानी कि उसका फोटो। फोटो के लिए हम जो डेटा टाइप यूज करने वाले हैं वो होगी हमारे पास अटैचमेंट, और यहाँ से हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा टेबल की जो कॉलम्स की सेटिंग थी ये हमारी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर हमने एक जीआर रजिस्टर के अंदर जो मैक्सिमम फील्ड्स हो सकती थी वो सारी ऐड करा दी। और बाद में भी इनके अंदर बीच में कोई फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे, डिलीट करनी है तो क्लिक करके डिलीट कर देंगे, ये चीज़ें ईजिली की जा सकती है, ठीक है। अब ये टेबल हमारा कम्प्लीट हो गया, तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, सेव करके क्लोज कर देना है। अब इस टेबल को खोलेंगे डेटा शीट व्यू में, तो देखिए सारी फील्ड्स ऊपर सेट हो चुकी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यार ये जो ऑप्शन है इसमें कि ये जो टेबल के अंदर डेटा जाना है उसकी गुड प्रैक्टिसेस ये नहीं है कि यहाँ से खोल के इसमें डेटा डाला जाए एक्सेल की तरह। उसके लिए हम प्रॉपरली क्रिएट करते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, इसका दूसरा एलिमेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का, जिसके जरिए आप डेटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और डेटा को टेबल में स्टोर भी करा सकते हैं। याद रहे कि फॉर्म जो क्रिएट होगा वो टेबल से क्रिएट होगा, बेसिक सोर्स ऑफ डेटा टेबल है, ठीक है। क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लैंक फॉर्म पर, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके लिए एक फॉर्म ऑटो क्रिएट कर देगा। ये जो फॉर्म क्रिएट होगा आपके लिए, सॉरी नहीं क्रिएट हुआ, इसको एक मिनट यहाँ से हटाते, क्रिएट करते, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म के बजाय यहाँ से फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारे लिए एक फॉर्म क्रिएट कर देगा। ये फॉर्म यूजर इंटरफेस को, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, अब यूजर इजीली इसके ऊपर डेटा को एंटर कर सकेगा। इस फील्ड सेट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फॉर्म को सेव करते हैं, और इसका नाम रखते हैं एडमिशन फॉर्म, ठीक है, एडमिशन फॉर्म। यहाँ से एडमिशन फॉर्म हमने इसका नाम रखा, इस फॉर्म का सेव कर दिया। यहाँ पे देखिए फॉर्म का एक ग्रुप बना और उसके अंदर एक फॉर्म ऐड हो गया जिसका नाम था एडमिशन फॉर्म। इस फॉर्म को यहाँ से क्लोज कर दें। इस फॉर्म के तीन इंटरफेस है, राइट बटन दबाएंगे, सबसे पहला है ओपन, जिसमें आप डेटा को देख भी सकते हैं और डेटा को ऐड भी करा सकते हैं। नंबर टू और नंबर थ्री, इसमें फॉर्म का लेआउट अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ना तो डेटा ऐड करा सकते हैं ना ही डेटा देख सकते हैं। नंबर थ्री, इसमें और अच्छे तरीके से फॉर्म को पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं और एक बिल्कुल यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्राफिक्स वगैरह लगा के बिल्कुल वैसा फॉर्म बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी हम डेटा एंटर या डेटा डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो पहले हम फॉर्म को ओपन करते हैं जैसा डिफॉल्ट पे बना है। तो ये देखिए सारी फील्ड्स उसने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मैं आपको ये बताने वाला था कि जैसे कि आप हमारे डेट ऑफ एडमिशन पे, तो आज की डेट में एक एडमिशन करते हैं, डेट सेलेक्ट करी, जीआर नंबर हमने इसको असाइन किया 1001, और ऑटो नंबर रोल नंबर पे खुद ही इसको असाइन हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके फुल नेम में हमने एक स्टूडेंट का नाम लिखा, जीशान हैदर, फादर्स का नाम लिखा गुलाम कादिर, हाँ अब्दुल गफूर,
अब्दुल गफूर सर नेम हमने इनका कर दिया हीरियो, डेट ऑफ बर्थ में हमने इनकी डाल दी सपोज टू बी 3/3/2004 और यहाँ से हम आ गए डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स में 3 मार्च 2004, जेंडर में मेल और यहाँ पर इन विच क्लास एडमिटेड हमने इनको मैट्रिक क्लास में एडमिट कर दिया और यहाँ से जाए लास्ट क्लास पास तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये 9th पास्ट है और यहाँ पे लास्ट स्कूल अटेंडेंट में हमने लिख दिया कि भाई ये पढ़कर आया है सपोज टू बी सुपीरियर कॉलेज शहदादपुर से और मदर टंग इनकी जो है वो हिंदी है। एड्रेस इनका हमने कर दिया इंसाफ सिटी, स्ट्रीट नंबर हो गई इसकी स्ट्रीट नंबर 4 और शहदादपुर शहर का नाम लिख दिया, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया, सिंध प्रोविंस का नाम लिख दिया और इमेज के लिए हमने यहाँ डबल क्लिक किया, ऐड किया और हमारे पास इसका इमेज होना चाहिए जो हमें इस पर लगा रहा है, क्लिक किया पिक्चर्स पर चले गए और यहाँ से हमने एक इमेज ले लेना है। लेट्स सपोज अभी हमने इसके लिए जो इमेज सेलेक्ट किया है ये वाला लगा दिया और इसको क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये देखिए फॉर्म के ऊपर हमारा डेटा सेव हो गया, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अब जी आर रजिस्टर में जाके देखते तो पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और इस तरीके से ये वाला साइट हाइड कर देंगे और जब भी नया रिकॉर्ड ऐड करना है यहाँ आएंगे, उसके बाद न्यू रिकॉर्ड के लिए दोबारा यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, दैट्स द न्यू बटन न्यू, दोबारा से डेटाबेस ओपन मोड में आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके अब हम दूसरा एडमिशन हमने किया है फॉर एग्जाम्पल 2 दिन पहले या आज की डेट पे किया तो यहाँ से सिलेक्ट किया 1002 नंबर असाइन किया और इसका नाम रखा हमने जतिन कुमार और फादर्स का नाम क्या है साधुमन, ठीक है और यहाँ पे हमने लिख दिया साधवानी फिर रूपवानी, चलो रूपवानी कर दी, अच्छा रोग ठीक है रोगवानी कर दिया और 4/3/2005 में इसको पैदा कर दिया तो 4th of March 2004 ये इसका हमने जो है 5 ईयर डाल दिया, जेंडर में मेल कर दिया, इन विच क्लास एडमिटेड में इसको हमने 9th क्लास में एडमिशन दिया है ठीक है और इसके बाद हमने यहाँ पे आगे जाके लास्ट लास्ट पास के अंदर इसको कर दिया 8th पास और उसके बाद यहाँ पर आके लास्ट स्कूल अटेंडेंट में हमने इसको कर दिया मेमन अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल SST मदर टंग में हमने इनकी कर दिया सपोज टू बी सिंधी और यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हमने सवाई रोड सवाई स्ट्रीट नंबर 4 कर दिया हमने इसका शहदादपुर शहर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट हमने इसका सांगड़ कर दिया, सिंध कर दिया और इमेज पर जाके हमने यहाँ पे क्लिक किया ऐड किया और यहाँ से हमने एक फोटो इसके लिए भी लगा दिया ठीक है और इसको ओके कर दिया तो ये देखिए इस पर ये पिक्चर भी सेव हो गई, कंट्रोल एस करके हमने सेव कर दिया और इसको यहाँ से जाके हमने जितने भी नए रिकॉर्ड डालने तो यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कितना जबरदस्त इसका यूजर एक्सपीरियंस हो गया, किसी को भी आप ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे तो वो जस्ट इस फॉर्म को हैंडल कर रहा होगा। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस फॉर्म पे आप राइट बटन दबाएंगे लेआउट में जाएंगे तो यहाँ से आप इसके लेआउट को मैनेज कर सकेंगे। याद रखें जब लेआउट में आएंगे तो इसमें डेटा ना तो देख सकेंगे ना डेटा एंटर कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इस पूरे टेबल को हमने यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट किया और हम यहाँ से चले गए फॉर्मेट के टैब में, यहाँ से हमने अपने फॉन्ट्स को इनलार्ज करके 14 पे कर लिया, डेटा को सेंटर कर दिया या सेंटर इस तरह से कर दिया और उसके बाद इसको अपने बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया। इसके बाद अगर किसी फील्ड को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे रख के हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ पर अगर किसी फील्ड को बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया ठीक है। ये तरह से बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता है और इसको सेव कर दिया, सेव करके यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया एडमिशन फॉर्म तो ये एक एडमिशन फॉर्म बन गया। इसके टैग लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया और ये इस तरह से बड़ा होकर नजर आ रहा है। सेंटर करने के लिए यहाँ सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट का जो कलर स्कीम है वो थोड़ी सी चेंज करना चाह रहे तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया तो मच बेटर यूजर एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा ठीक है। सेव कर दिया हमने यहाँ पर
और यहाँ पर जो है इस इमेज वाले पोर्शन को क्लिक करके थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से खींच के बड़ा कर लिया ताकि थोड़ा नजर, फिर ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बेहतर तरीके से और मैनेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेव कर देंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब नया डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म व्यू में खुलेगा। यहाँ से आप पिछले फॉर्म रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं जो आपने ऐड किए हैं, और नया रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं। सपोज तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो आज की डेट में एक और एडमिशन किया हमने, 1003 रोल नंबर है, माधुरी हमने नाम लिख दिया उसका, और सरनेम में हमने उसका डाल दिया सपोज टू बी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पे हमने उसका लिख दिया 3/3/2001, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में लिख दिया 3/3/2001, और जेंडर में हमने जाके उसके लिख दिया फीमेल। ठीक है, उसके बाद इन विच क्लास एडमिटेड, तो मैट्रिक क्लास पे उसको एडमिट किया, फीमेल है, और लास्ट स्कूल अटेंडेंट है वो द सिटी ग्रामर हाई हायर सेकेंडरी स्कूल शदा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाके लास्ट इसका लास्ट, अरे ये गलत डेटा एंटर हो गया, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके कट करेंगे, यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे, तो नाइन्थ क्लास पास कर दिया, और यहाँ पर आके मदर टंग हमने उनकी कर दिया सपोज टू बी सिंधी, और यहाँ पे एड्रेस कर दिया सपोज टू बी मोहम्मदी टाउन, स्ट्रीट नंबर 5, सिटी शदादपुर, डिस्ट्रिक्ट सांगढ़, सिंध, इमेज डबल क्लिक किया, ऐड किया, और हमारे पास प्रॉपर स्टूडेंट्स के इमेज होने चाहिए तो हम वो उस पर ईजीली फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया, ओके किया, कंट्रोल एस, तो तीसरा रिकॉर्ड भी सेव हो गया। याद रहे, डेटा सेव होता है टेबल के अंदर, फॉर्म सिर्फ उसका फ्रंट एंड है। अगर फॉर्म डिलीट भी हो जाएगा तो डेटा मौजूद रहेगा और दोबारा से फॉर्म बनाया जा सकता है। एक टेबल के कई फॉर्म बनाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ पोर्शंस को भी अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन टेबल डिलीट हो गया तो डेटा भी डिलीट हो जाएगा।